हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं आसानस्टडी.com। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्लास 10 के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है कि हमें 31st टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करनी है, किसी को एक एपी है उसकी 31st टर्म फाइंड करनी है, और यहाँ पे हमें उसी एपी का 11th टर्म जो कि 38 है और 16th टर्म जो कि 73 है ये गिवन है। तो अभी हम यहाँ पे हमारे पास में दो एन और दो ए एन ऑलरेडी गिवन है, अब यानी दो एन और दो ए एन गिवन है, और उसके बाद में हमें 31st टर्म क्या होगा ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें पहले हमारे पास में क्या गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हमारे पास में पहली कंडीशन जो कि है 11th टर्म और इज 38, ये हमारे पास में गिवन है। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास में 11th टर्म यानी n इज इक्वल्स टू 11 एंड a n यानी 11th नंबर पे क्या रखा है, कौन सा नंबर है, दैट इज 38। तो यानी हमारे पास में a n गिवन है, तो यहाँ पे हम हमारा a n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन इज इक्वल्स टू 38 हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है, एन की वैल्यू हमारे पास में 11 है और माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास में गिवन नहीं है। तो 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस 11 माइनस वन यानी 10 डी, ये हमारे पास में गिवन है। यहाँ हमारे पास में ए और डी दोनों ही अननोन है, तो आपको मैंने बताया था कि जब आपके पास में दो वैल्यू अननोन है तो दो वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमेशा आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एक इक्वेशन तो आपकी बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन देखते हैं जो हमारी दूसरी कंडीशन से बनेगी, यानी कि 16th टर्म ऑफ एपी इज 73, मींस एन इज इक्वल्स टू 16 एंड ए एन यानी 16 नंबर पे क्या रखा है 73, तो आपके पास में ए एन गिवन है। अगेन ये वाले इस फॉर्मूला के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, ए एन यानी 73 और ए हमारे पास में है नहीं, एन हमारी इस कंडीशन में हो गई 16 माइनस वन और डी, तो 73 इज इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन से हम अब ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड, हमारे हमको पता है कि इसको लीनियर इक्वेशन के थ्रू, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने एक मेथड पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड, हम उससे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ऊपर इसका लिंक गिवन है, आप वहां से इसको जाके समझ सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 73 ए प्लस 15 डी दोनों इक्वेशंस को हम एक के ऊपर इस तरह से नीचे रख देंगे, एक के नीचे एक, और हम यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास में किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल आ रहा है। जैसे यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट ए ए है, यहाँ पे ए का भी यहाँ पे वन है, इधर भी वन है, तो यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हम इसी को एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करने के लिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, हम इसको माइनस कर देते हैं। जब हमें माइनस करना है तो जो भी नीचे वाली इक्वेशन होती है उसको सबके साइन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव साइन हमेशा सबके साइन चेंज कर देगा। तो यानी ए का भी साइन चेंज हो गया माइनस का, और ये प्लस का डी, ये भी बन गया माइनस का 10 डी। ठीक है, 73 में से जब 38 माइनस हुआ तो हमारे पास में आया 35 एंड ए से ए कट हो गया, और यहां से 15 में से 10 डी, क्योंकि आपके पास में 15 डी और ये माइनस का 10 डी, क्योंकि आपका प्लस का माइनस बन चुका है, तो बन गया यहाँ पे 5 डी। सो डी इज इक्वल्स टू 35 अपॉन 5 यानी कि 7 आपकी डी आ चुकी है। और आपको फाइंड क्या करना है, इसके लिए आपको 31st टर्म फाइंड करनी है। तो आपके पास में डी आ चुकी है, अब पहले आप ए फाइंड करेंगे और फिर उसके बाद में आप 31st टर्म फाइंड करेंगे। तो पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद में ए 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू की 7 एंड हमने यहाँ पे पुट करी, फिर आया 38 ए प्लस 70, देन ए इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70 दैट इज 32, जो कि माइनस का 32 हो गया। अब आगे आगे पूछा गया कि इसके अंदर 31st टर्म कौन सी होगी एपी के अंदर, तो हमें पता है अब हमारी ए आ चुकी है माइनस का 32, हमारी डी आ चुकी है प्लस का 7, और हमारे को 31st टर्म फाइंड करनी है, यानी n इज इक्वल टू 31 गिवन है। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए इज इक्वल टू ए की जगह पे माइनस 32 प्लस एन की प्लेस पे 31 माइनस वन
और डी के प्लेस पे 7 माइनस 32 प्लस 30 31 माइनस 1 इज 30 इंटू 7. तो इस तरह से माइनस 32 प्लस 210 और आगे जब ये सॉल्व होगा तो आ जाएगा हमारा आंसर माइनस 178. दिस इज आवर आंसर, सॉरी कि प्लस 178 आंसर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा. और प्लीज अगर आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा. कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे को हमें मेल कर दीजिए या फिर हमें डीएम कर दीजिए इंस्टाग्राम पे. इन तीनों की आईडी आपके नीचे यहाँ पे नीचे लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ पे इनको देख सकते हैं. और भी बहुत सारी नॉलेज आप हमारी वेबसाइट से और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से ले सकते हैं assamstudy.com. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो. थैंक यू सो मच.